नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बड़े होंगे। हाजिर है एक न्यू वीडियो लेकर, और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारी इस पंजे मशीन के ऊपर होने वाली है। हमने मशीन बनाई है क्योंकि क्या है कि हम बहुत से हमारे जो आसपास के भाई हैं या हम भाई हैं, तो हम सारे इसी जिम में अपने पंजे की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो पंजे लड़ाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी साधन नहीं था, ना कोई हमारे पास कोई ऐसी ठीक ठाक बेंच थी जिसमें हम पंजे लड़ सकें, तो हमने मशीन बनाई है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि हमने किस किस तरीके से मशीन बनाई है, हमने क्या क्या इसमें लगाया है। इस मशीन को बनाने के लिए हमने इस बराबर के जो ये है, इस तरीके से ये 3.5 फीट के हमने 4 पाइप लिए हैं, एक इधर, बाकी हमने चारों लगा दिए हैं। और इसमें नीचे सपोर्ट लगाई है हमने ताकि ये एक जगह आए ना। और बाकी एक ये हमने पाइप इस तरीके से लगाए हैं ताकि जब हम एक हाथ से तार लगाते हैं इस तरीके से, तो इसे हम यहाँ पकड़ सकें। बाकी जो हमारी हाथ की ग्रिप है अच्छी तरीके से बन जाएगी। बाकी ये हमारी चादर है, ये हमने चादर ली थी और इसे एक फ्रेम में हमने लगाया इस तरीके से। तो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 3 फीट और 7 इंच के बराबर है, इसे हम आसानी से लड़ा सकते हैं कहीं भी। और ऐसा नहीं है कि इसे यहीं हम कहीं भी जैसे कॉम्पिटिशन वगैरह होता है तो उठा के से आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा भारी नहीं है। हमने 2 पाइप लगाए हैं, जो इनके बीच की दूरी है वो लगभग हमने 2.5 फीट के आसपास रखी है ताकि आसानी से हम लगा सकें। तो अभी इस पर हमने कलर नहीं करा है, अभी हम 1-2 दिन में इस पर कलर कर देंगे तो क्या है कि फिर वो अच्छे से लगेगी। ये थोड़ी थोड़ी हम इसे एक या दो इंच ज़मीन में गाड़ देंगे नीचे इससे, ताकि इसके जो है इस तरीके से हिल रही है, हिलने में परेशानी हो। क्यों? अभी क्या है कि हमारी जो ज़मीन है ये थोड़ी ऊपर नीचे है, तो 2 फीट हमने इसे इस तरीके से, इसे 2.5 फीट तो हमने तिरछा बनाया है और इस तरीके से इसकी लंबाई जो है 2 फीट है। तो इस पर हम किस तरीके से लड़ा सकते हैं, अभी मैं लड़वाने वाला हूँ 2 छोटे लड़कों के पंजे इस तरीके से। चलो चलो लगाओ जान। हाँ मार बोलो, झटका मार, शाबाश, ले लगाओ, ले जाते रहे, गया ले जाते रहे, गया चल लगाओ जान, ज्यादा ही रहेगा अगर लेगा, चल लगा जान, चल गया चल चल। तो इस तरीके से हम अब हम दिखा देते हैं किस तरीके से हम इस तरीके से आसानी से ये ग्रिप इस तरीके से पकड़ कर, और हम अपने हाथों लगों के हाँ बराबरी से रख कर कभी भी हम आसानी से लड़ा सकते हैं। इसमें पीछे भी जा सकते हैं इस तरीके से, और कहीं भी इस तरीके से बहुत आसानी से इसमें लड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है इसमें कि भाई हमने ज़्यादा लोड डाल दिया है, इसमें केवल इसे हमने एक समान बनाया ताकि जो हमारा लोड है इस तरीके से वो एक समान ही पड़े लोड। इसमें क्या है कि हमारी जो ताकत है आमने सामने दोनों की, ना ही तो हम इसे इस तरीके से खींच के लड़ा सकते हैं इस तरीके से, ना इसमें हम चीटिंग कर सकते हैं ना कैसी, केवल बराबरी पे हम आसानी से लड़ा सकते हैं। ना कोनी ना इसमें कोनी ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि कोनी इधर से उधर भाग जाएगी, इधर भाग जाएगी, केवल अभी इसमें हम एक ऊपर क्या कि इसमें रबड़ लगा देंगे ताकि जो हमारी ये नीचे की कोनी है वो छिले ना इस तरीके से, और हम आसानी से लड़ा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा जो मशीन है, हमने पंजे मशीन है, इसका व्यू हमने दिया है। तो यदि आप घर पर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली SMS कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसमें इक्विपमेंट लगे हैं या किस किस चीज़ की इसमें ज़रूरत थी, कितने टाइम में ये बनी, कितना टाइम लगा इसमें, कितना खर्चा। ज़्यादा खर्च इसमें नहीं लगा, लगभग 1000 से 1500 रुपये का खर्च इसमें आया है, यानी 1500 के समथिंग ये हमारी कंप्लीट हो गई है। बस इस पर अब हमारा कलर है, कलर में बाकी 100-200 रुपये जो लगते हैं वो लग जाएंगे। तो ये हमारा गद्दी लगेंगी, हाँ इस यहाँ पर हम अपनी गद्दी लगाएंगे ताकि हमारी कोनी छिले ना, और इस पर एक रबड़ बैंड लगा देंगे हम जिससे हमारा हाथ की ग्रिप भी मजबूत रहे। तो यह था हमारा इस मशीन का पूरा व्यू, जो हमने छोटी सी मशीन बनाई है घर पे, आप भी बना सकते हैं। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे SMS कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे SMS कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।